दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग घातांकी प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, घातांकी प्रश्न में इस तरह का प्रश्न है कि 256 घाते लिखा गया है 0.16, और फिर देखिए 256 की घात 0.09 लिखा गया है। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 256 देख रहे हैं, इसका आधार 256 है, यहाँ भी इसका आधार 256 है। तो हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर रहता है तो हम उनके घातों को ऐड कर देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 256 की घात कितना हो जाएगी, हो जाएगा 0.16, और प्लस इसको लिख देंगे 0.09। तो दोनों को जब जोड़ दें कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 256 की घात, जब इसको जोड़ें कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 15 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, माने हो गया 0., ये हो गया 0.25 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 0.25 को हम सरल करके इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा कि 256 की घात को, देखिए हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, दशमलव हमने हटा दिए, जब दशमलव हटा दिए तो 25/100 हो गया। अब इसको सरल कर देंगे, 25 1 25, 25 4 100, ये आ गया कितना, ये हो गया 256 घाते 1/4 हो गया। अब 256 का हम गुणनखंड कर देते हैं, तो 256 का गुणनखंड कर लेंगे, तो 256 का आप रफ पर गुणनखंड कर लेंगे, तो 256 का गुणनखंड कितना जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256, इधर रहा 2 की घात। अब 2 की घात कितनी आ रही है, देख लीजिए कि 2, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 8 2 घाते 8, और इसके ऊपर आ जाएगा घात 1/4 की। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, घात में घात का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 घाते 8 गुणे 1/4, तो 4 1 4 4 2 8 के बराबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 घाते 2 हो गया, 2 घाते 2 का अर्थ आ जाएगा बराबर आ गया 4। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, 4। आपने इसको बड़े सरल ढंग से हल कर लिया। इसी तरह से देखिए, हम इसको कर सकते हैं, देखिए 256 घाते 5/4 लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 256 घाते 5/4 है, तो हम 256 क्या लिख सकते हैं, 256 को लिख सकते हैं 2 घाते 8, अभी आपने किया तो 2 घाते 8, और घात के ऊपर देखिए कितना लिखा गया, 5/4, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हो गया 2 घाते 8 गुणे 5/4 हो जाएगा। तो 2 घाते, अभी किसको लिख देंगे, हो जाएगा 2 8 गुणे 5/4 हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको देखिए 8 5 40 कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि 4 2 8 काट दें, जैसे भी हो आप कर सकते हैं, यह जाएगा 2 घाते 10 हो गया। अब 2 घाते 10 हो गया, तो 2 घाते 10 का मान कितना होगा, 2 घाते 10 का मान निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस। तो जब अब गुणा करेंगे, देखिए गुणा कितना होगा, तो दो दूने चार, दूने आठ, दूने सोलह, दूने बत्तीस, दूने चौंसठ, दूने एक सौ अट्ठाईस, दूने दो सौ छप्पन, दो सौ छप्पन। अगर आप गुणा नहीं कर पाए, दो सौ छप्पन तक आप किए हैं, अब लिख दिए दो सौ छप्पन गुणे दो गुणे दो। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि दो सौ छप्पन गुणे चार। अब दो सौ छप्पन में चार का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, देखिए चार छके चौबीस, और चार छक चौबीस हो गया, दो आए चार पचे बीस, बीस दो बाईस, चार दूनी आठ दो दस, बराबर आ गया दस घाते चौबीस। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दस घाते चौबीस ये हो गया दो घाते दस, दो घाते दस बराबर आ गया दस घाते चौबीस। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।